सर्व शिक्षा अभियान के तहत अरबों रुपए के विद्यालय की बिल्डिंग बने, तब भी झारखंड पब्लिक स्कूल खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे मित्र, आप ऐसे विद्यालय के यूकेजी के छात्र से पूछे कोई सवाल तो जितना आसानी से उत्तर दे देंगे, सरकारी विद्यालयों के पांचवी पास शिक्षक बच्चों को पूछेंगे तो उतनी आसानी से वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। मेरे मित्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऐसे ही विद्यालयों के लिए 50 किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता था, बच्चों को भेजना पड़ता था, गार्जियन कतराते थे। हम धन्यवाद देते हैं इनके संचालक को, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने निदेशक को, मैं धन्यवाद देता हूँ इनकी पूरी टीम को, जो काजी माघा जैसे सुदूर देहाती इलाके में, रूरल एरिया में ऐसे विद्यालय, आधुनिक विद्यालय जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी खुलवाने के लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। जितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे बच्चों को, 5 गुनी तनख्वाह में भी सरकारी विद्यालयों में ये शिक्षा नहीं मिल पाती है मेरे मित्र, इसलिए झारखंड पब्लिक स्कूल की खुलने की आवश्यकता हो रहा। वो मुखिया चिन्ना खान के नाम से फेमस नाम मैं भी नहीं जानता, एक सार्थक पहल किए है झारखंड पब्लिक स्कूल नाम का एक। तो सबसे पहले मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। यहाँ पे इकबाल जी के पिताजी भी वहां पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बेटी बैठी हुई है आलिया इकबाल, इधर मधापुर है काजी मगरा है, आप मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग को अग्रेतर हाई क्लास का या जो भी, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चा है और मुझे लगता है नौटी बच्चा नटखट बच्चा मेरे यहाँ है, मैं देखता हूँ कैसे पढ़ाना है, इसलिए मैं भी आगे यहाँ देखूंगा कि कैसे पढ़ाई होता है कि नहीं होता। इसलिए मैं इस मन से कहना चाहूंगा आप लोग खुले मन से यदि अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराते हैं तो बच्चों का भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है। मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन यदि आप कहीं नहीं कराए हैं तो करा सकते हैं यहाँ पे, और क्वालिटी मेंटेन यहाँ पे होगा। मैं बात कर रहा था यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के डायरेक्टर से, तो क्वालिटी भी मेंटेन होगी यहाँ पे, घर भी आप लोग का आस पास है तो इसका लाभ उठाइए। और साथ ही साथ रामानंद सिंह जी बड़ा जोशीला वक्ता भी है तो उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ, और उस चीज का भी अपेक्षा रखता हूँ जितना जल्दी कानून बनावे हमारे जनप्रतिनिधि लोग या उस पर भी अमल हो। इधर इस टेबल से इधर बैठे हुए और इस टेबल से उधर बैठे हुए सबका बच्चा एक जगह अगर पढ़े इससे बड़ा खुशी है दोनों सबसे होगा, मैं उसी का भी इंतजार करूँगा। धन्यवाद। मित्र भाई राज्य अफसरों एवं पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार जवाहर और बड़ों को प्रणाम। देखिए हम सभी के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए शिक्षा एक बहुत जरूरी है, एक अच्छे जीवन के जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, एक अच्छे बिजनेस करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने परिवार में साथ रहने के लिए भी शिक्षा जरूरी है, अपने
कुटुंब परिवार जो उनके साथ भी अच्छे से रहने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जमुआ प्रखंड में बहुत का खोलने के लिए ट्रैक्टर और इनको संचालन करने हमारे निकाल जी, सीना खान जी और सीना जी को मैं सभी इस मंचासीन के तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूं। और आपका ये स्कूल दिन प्रतिदिन आपकी चलाने में सभी का सहयोग रहेगा, अच्छे से चले, ये हमारी ज्यादा नहीं कुछ बोल के मैं अपने उजाला है। अगर शिक्षा है तो अंधकार को हटाया जाता है, शिक्षा से हमें बहुत ताकत मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलता है, बहुत चीज सोच के बहुत सी बातों को हम लोग को ये फला के लिए हम लोग एक शिक्षा का घर खोले, शिक्षा का मंदिर बनाए ताकि हम लोग भी शिक्षा दे सके बच्चों को। और इसी ख्याल से आप लोग की सहयोग से हमने आज एक शिक्षा का घर खोला, जो आप लोग की सहयोग हमें चाहिए। आज हमारे बीच बहुत से ऐसे दानेदार बैठे हुए हैं जो अपनी आज हमारे स्कूल के प्रति कुछ बातें रखेंगे और अमल कीजिएगा। सबसे पहले हम खरड़िया से प्रोफेसर समीर जो लड़का हुआ बीच में अब ये मुख्य का जो समाप्त हुआ।